ओके साहब पास चलते और वापस ना सीरिया नाम भाई सीरिया गांव कौन सा है बाबा बाई बाई ये कहाँ पड़ता है अलवर में अलवर में अलवर में कहाँ पड़ता है ये पड़े अच्छा शीतल बड़ौदा के पास तो अनाज मंडी में क्या लेके आया आप सिरसों कितनी बोरी लेके आया चालीस एक बोरी क्या भाव बिकी अपनी पैंसठ बिकी पौने पैंसठ बिकी अलग अलग ढेरी लाए अच्छा साढ़े बिकी है साढ़े पैंसठ बिकी अच्छा फिर लैब कितनी आ रही है उनमें भाई लैब तो ये इनको पता कार्ड वाला इनको अच्छा ठीक है चालीस के करीब लैब हो आ रही होगी यार चालीस हाँ चालीस के करीब आ रही है ना चलो ठीक है बाबा धन्यवाद आपको तो अपने गांव में जो सरसों किस हिसाब से बैठ रही है बीघा के हिसाब से दस बारह तेरह बारह तेरह चौदह पंद्रह और कोई बीस बीस भी बैठ रही है अब भी सरसों लेके आए हो अच्छा ठीक है ताऊ जी आपका क्या नाम है ये की बात है हमारे तो बता दो आपका नाम क्या है भगवान सा आप भी बाई से ही हो आप क्या लेके आए हो सिरसों ले आया है आपकी भी पैंसठ सौ छियासठ सौ गई है लैब का पता कितनी आई है यही लैब आ रही है चालीस इकतालीस जो आपके गांव में चालीस इकतालीस लैब आती है तो गेहूँ भी लेके आए हो जी तो आपके गेहूँ किस हिसाब से बैठ रहा है पैंतीस छत्तीस तीस और आपके गाँव में तूड़ा क्या भाव बिक रहा है कूड़ा का तो छोड़ो काम है 600 भी हो रहे हैं 500 भी जा रहे हैं अच्छा 500 600 जा रहा है यानी कि एक बीघे का जो तूड़ा है 20-25 हज़ार का जा रहा है 20 हज़ार तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी बारी जो तूड़ा है इतना महंगा क्यों है अब ये बात को तो कैसे अंदाज लगे हम पैदावार खाए हैं पैदावार ही नहीं है पैदावार अभी कम है ना जो किसानों ने गेहूँ कम बोया इसलिए तूड़ा महंगा हो गया ज़्यादा है अच्छा अच्छा ठीक है रोनी आई है बार बार अच्छा अच्छा रोन आई है कोई